तो दोस्तों आप लोग ना अभी RC24 का बॉलिंग टेस्ट के बारे में जानना चाह रहे हो। न्यू अपडेट में गेम प्ले बहुत अच्छा हुआ है, ये मैं खेल चुका हूँ बहुत और अभी मैं खेल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेम प्ले जो बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया है। और अभी जो 150 MB का अपडेट आया था उसमें गेम प्ले मस्त हो चुका है। सो अभी गेम प्ले आने के बाद भी आप लोग यहाँ पर बॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, मतलब AI जो है मार जा रहा है बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको रोक नहीं पा रहे हो। कोई भी टाइगर चेस कर रहे हैं आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। सो आपको क्या करना पड़ेगा इसको डिफेंड करने के लिए, देखो जो चीज़ मैं कहूँगा ना, ना ही आपको कोई बॉलर सिलेक्ट करने कहूँगा, ना ही आपको कोई सीम स्विंग सिलेक्ट करने कहूँगा, ना ही कुछ भी क्रिकेट का कुछ भी स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करने को कहूँगा। ये एक प्योर ट्रिक्स है दोस्तों, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी बॉलर हो दुनिया का, स्पिन हो, फास्ट हो या फिर बैट्समैन से भी आप बॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप AI कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा, AI बेकार हो जाएगा, मतलब मारेगा बट एक कंट्रोल के अंदर रह के आप डोमिनेट करोगे AI के ऊपर। सो दोस्तों लाइक कर देना, इस बीच में बोल देता हूँ। सो आपको क्या करना है, कोई एक बॉलर लेके आपको बॉलिंग, सबसे पहले आपको जब ओवर शुरू कर रहे हो बस 10, 20, 50 जो भी आपको, मान लो आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप गुड लेंथ से ही ऑब्वियसली शुरुआत करते हो या फिर कुछ भी करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको लेंथ है वो आपको करके देखना है गुड लेंथ पे। गुड लेंथ पे जब किया तो देखना कि बैट्समैन कौन सा टाइप का शॉट खेल रहा है, ये मेन चीज़ है। क्या वो पैर आगे लेके शॉट खेल रहा है या फिर पैर पीछे लेके शॉट खेल रहा है, ये सबसे ज़्यादा मतलब यही असली ट्रिक है इस गेम का। अगर वो बैक फुट पे शॉट खेले तो आप उसको फ्रंट फुट का बॉल दो, अगर वो फ्रंट फुट का शॉट खेले तो उसको आप बैक फुट का बॉल दो, चाहे वो डिफेंस ही करे चाहे वो चौका भी मारे। मान लो आप बॉलिंग कर रहे हो पहली बॉल पे आप उसको बॉल दे, वो बैक फुट पे सिंगल लिया या फिर डिफेंस किया या फिर चौका मारा कुछ भी किया, तो आपने देख लिया कि बैक फुट पे वो मार दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको बॉलिंग ऐसा डालना पड़ेगा ताकि वो फ्रंट फुट में आके खेलने मजबूर हो। बैक फुट का बॉल दोगे तो फिर से धुलाई होगा आपका, और फ्रंट फुट पे बॉल दोगे तो आपका 100% के अंदर 95% चांस है वो बीट होगा या फिर आपको विकेट मिलेगा 95% चांसेस है। और 5% चांस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो डिफेंस किया या फिर सिंगल लिया तो आपको देखना पड़ेगा कि डिफेंस या सिंगल कौन सा शॉट खेल के लिया, बैक फुट पे या फिर फ्रंट फुट के। अगर बैक फुट खेला तो फ्रंट फुट का बॉल दो, फ्रंट फुट खेला तो बैक फुट पे का बॉल। या फिर ऐसा नहीं है कि भाई आप बैक फुट का बॉल दे रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं मेरा बॉलिंग भी देख सकते हो आप लोग, मैं कैसे कैसे बैट्समैन बैक फुट पे खेल रहा है तो फ्रंट फुट दे रहा है, फ्रंट फुट दे रहा है तो बैक फुट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बैक फुट खिलाने गए तो बाउंसर ही देना है मुझको, बाउंसर से ही बैक फुट पे हमेशा ढकल नहीं सकते हो आप। गुड लेंथ के थोड़ा सा आगे जिसको बाउंसर नहीं हार्ड लेंथ बोलता है उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब बैट्समैन एक ही शॉट फ्रंट फुट वाला शॉट खेल मजबूर करो, बैट्समैन पीछे रह के ना शॉट खेल पाए हमेशा। मतलब आप रियल लाइफ में भी देखते हो ना, कोई आप मतलब कुछ कुछ बैट्समैन होता है कि आप फ्रंट फुट पे खेलते रहे तो फ्रंट फुट का बॉल देते हैं, फ्रंट फुट के अच्छा खेलते रहे तो कभी कभार लेंथ को चेंज करते रहो, आगे पीछे हर एक बॉल पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखना आपका कंट्रोल के अंदर गेम प्ले होगा, AI पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा बस में आ जाएगा आपको, ठीक है। इतना अच्छा गेम प्ले करोगे बाद में मेरे को थैंक यू बोलना जरूर आओगे, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। बस सब्सक्राइब करके रखना, यही इस गेम का असली ट्रिक है। गेम को एंजॉय करना चाहता हूँ रियल लाइफ की तरह, तो ये ट्रिक्स ही आपको पूरा का पूरा रियल फीलिंग देगा। लिख के ले लो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।